खबर आ रही है झाबुआ जिले से। झाबुआ थांदला में कपास व्यापारी से हुई लूट की वारदात को थांदला पुलिस ने महज कुछ ही दिनों में आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया। कपास व्यापारी से हुई लाखों की लूट को गंभीरता से लेते हुए झाबुआ पुलिस अधीक्षक आगम जैन द्वारा थाना प्रभारी थांदला को उक्त लूट की वारदात का जल्द से जल्द खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्त में लेने के निर्देश दिए थे। एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुरवे व एसडीओपी थांदला रविंद्र सिंह राठे के मार्गदर्शन में टीमें बनाकर खुलासा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। झाबुआ से जिला ब्यूरो चीफ दीपेश प्रजापति की खास। ठीक है, शुरू करें जी। विगत दिनों जो है थांदला कस्बे में राजेश राठौर जो गल्ला व्यापारी है उनके यहाँ 21/12/2022 को लूट की घटना हुई थी और उसी को लेकर के जो है इसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है टीम गठित की गई थी, जिसपे एसडीओपी थांदला और उनके मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थांदला और जो टीम के सदस्य थे उनको गंभीरता से कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया था और उनके द्वारा जो है इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जो सीसीटीवी फुटेज और पुराने बदमाशों का और इसी प्रकार से अन्य चीज़ों का विश्लेषण करते हुए जानकारी एकत्रित की गई और जो संदेही मिले और संदेहियों का संबंध में जो है इसे पता करने पर उनको जब बुला करके पूछताछ की गई तो राहुल और कपिल दोनों आरोपियों द्वारा उक्त दिनांक को और उनसे लूट में जो है मसलों का जो है जब्त किया गया है और इस पूरी जो कार्रवाई है उसमें थाना प्रभारी निरीक्षक कौशल्या चौहान, निरीक्षक अशोक बघेल, प्रधान आरक्षक महेंद्र नायक, प्रधान आरक्षक प्रगति, प्रधान आरक्षक मनोहर, आरक्षक चालक अंतर सिंह, मंगलेश पाटीदार, महेश प्रजापति, संदीप और दीपक का सराहनीय योगदान रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.